वैसे तो ग्राम पंचायतों का काम है ग्रामीणों को परेशानियों से निजात दिलाना और सुविधाओं को उपलब्ध करवाना, जिसके लिए सरकार भी लाखों करोड़ों रुपए हर साल पंचायत को दे रही है। लेकिन जब पंचायत के मुखिया, सरपंच और सचिव ही पैसे डकार जाएं, तो बेचारी जनता का परेशान होना तो लाजिमी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धार जिले की ग्राम पंचायत सनोली की, जहाँ पर खजूरिया गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि सरपंच और सचिव नाली निर्माण के नाम से लाखों रुपए डकार गए और अब हमें परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से ग्राम खजूरिया में पानी पूरे रोड पर फैल रहा था और किसान के खेत में जमा हो रहा था, जिसकी शिकायत बदनावर SDM और तहसीलदार को की गई, तो उन्होंने तुरंत पानी निकासी के लिए नाली खोदने का आदेश दिया। पंचायत के मुखियाओं ने आदेश का पालन करते हुए JCB से रोड के दोनों किनारों की गहरी नाली खुदवा डाली। नाली भी इतनी गहरी खोदी कि आगे लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे और ना ही बाहर से अंदर जा पा रहे हैं। अगर नाली में रहवासियों का बच्चा गिर जाए तो उसको बाहर निकाल पाना मुश्किल होगा, जो बड़ा हादसा होता हुआ नजर आ रहा है। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची और कवरेज कर रही थी, तब पंचायत सचिव कृष्णपाल राठौर और सरपंच हमें देखकर 9-2-11 हो गए। बाद में हमने फोन मिलाया तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला। हालांकि जब हमारे संवाददाता ने बदनावर SDM महोदय से बात की, तो उन्होंने जल्द से जल्द समस्या का निराकरण करने का भरोसा दिया। देखिए, समस्या का निराकरण करने के लिए यहाँ पे आए थे जी SDM महोदय और मैम दुबला साहब आए थे। उन्होंने कहा गया कि यहाँ पानी निकासी, पूरा रोड पे पानी पानी हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आसपास चेयर खोद दी जाए, जिससे कि। लेकिन समस्या तो मैडम दूर करने के बजाय समस्या बढ़ गई इन लोगों की। नहीं, साहब ने कहा था कि पानी निकासी के लिए अगर चेयर नहीं खोदेंगे, इसके अलावा तो कोई समस्या का निराकरण ही नहीं था। क्या नाम है दादा आपका? शिव नारायण डाबी। कहाँ रहते हो? खजूरिया। ये आपके यहाँ नाली खोदी हुई, इस पर क्या हुआ, क्या समस्या है? ये SDM और पंचायत वाले आए और खोद के चले गए, इनको बोला कि हमको सूचना मिली तब आए हम। क्यों खोदी ये? पानी निकालने के लिए। तब ये हम निकले कहाँ पे, क्या समस्या हो रही इससे? कोई समस्या, ये पानी खोद दिया, निकलने की समस्या, बस ये दिक्कत आई थी सर। अच्छा, अब डोर भी हमारे घर में बंद है, पानी का भी तरस ले पाने के लिए। आपके यहाँ छोटे बच्चे बच्ची होंगे? बिल्कुल है सर। वो कैसे निकलते इससे? बस अब किस तरह जावा, जब खुद दिन तभी सब खटाट और मिली जुली सरकार है सर, ये सब मिली जुली सरकार है। अरे खड़ंजा के साथ ने 1.5 लाख की आई थी नाली, वो नाली भी निकाल के खा गए। ये नाली जो आज खोदी गई है, ये CC रोड के साथ बनाई क्यों नहीं बनाई? तो CC रोड के साथ में जब नाली बनने का था, इनके पास में आया था, टेंडर पूरा लिया, CC रोड बनवा दिया और नाली बनवाई नहीं, तभी तो आज ये प्रॉब्लम है। ये आया, पैसा आए होंगे, इन्होंने कर लिया। जब CC रोड बनाया तो तभी नाली बना देते, तो आज ये दिक्कत नहीं आती, नहीं हमको प्रॉब्लम भी नहीं आती। आज जब कहने जाओ तो बोले कि नहीं, ये काम उसका हो गया, उसका हो गया। जब मैं वार्ड क्रमांक 9 में, अभी भी खड़ंजा कुछ नहीं बना हुआ, ना तो नाली बनी हुई है। पंचायत के पास जाओ तो बोले कि आपके खड़ंजा बन गया, जबकि खड़ंजा ये अपने प्रधानमंत्री रोड का बना हुआ है, जबकि वार्ड क्रमांक 9 का खड़ंजा नहीं बना हमारे इधर। जब खड़ंजा बनता तो नाली भी बननी थी, और CC रोड के साथ में हर गांव में हर जगह पे अपन देख रहे हैं जहाँ पे नाली बनी हुई है, ये नाली क्यों नहीं बनी? ये गलती तो इनके पंचायत वालों की गलती है ना। इस नाली के पैसे आए थे तो नाली के पैसे आए ना, CC रोड के साथ में तो हर नाली के पैसे आते हैं भैया, तो वो क्यों नहीं बनाई इन्होंने? अगर वो पहले बनवा देते तो आज ये दिक्कत नहीं आती ना हमको। हमारे सभी इतने, जब यहाँ से वहाँ से वार्ड क्रमांक 9 का हमारा है, जब हमारे कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट बनने का था, हमारा खड़ंजा बनने का था, वो भी नहीं बन पाया अभी तक, जबकि सब जगह बन गया, 2 घर वहाँ बन गए, यहाँ बन गए, वहाँ बन गया, अब क्यों नहीं बना? क्या मान तो इसमें सरपंच सचिव पैसे खा गए ना, उसमें क्या देते, सब बोलेंगे उसमें क्या है, जब पूछने जाते हैं बोले क्या, बोले कि आपका CC रोड बन गया, सीमेंट कंक्रीट आपका बनवा दिया, मंत्री साहब से बात बोले कि ये तो अभी हमारे इसे प्रधानमंत्री में बना, तो जब ये प्रधानमंत्री में बना है तो वो जो अपना पंचायत द्वारा जो खड़ंजा बन रहा है, अपना CC रोड जो बन रहा है अपने घर के सामने जो खड़ंजा बन रहा है, वो कहाँ गया, वो क्यों नहीं बनाया अभी आप तक? आपने 2-2 घर बना लिए, 2 घर वहाँ बना दिए। नीलेश नाम है मेरे। बदनावर तहसील के ग्राम खजूरिया में आज SDM और तहसीलदार द्वारा ऐसी कार्रवाई की गई है, जहाँ पर समस्या को समाधान करने के बजाय समस्या यहाँ के जनता की बढ़ा दी गई है। देखिए, यहाँ पर पानी, इस गांव में कुछ पानी भराया जाता था, जो उसकी निकासी के लिए जो नाली बनाई गई है, कितनी गहरी नाली बनाई गई है देखिए, ये इतनी, मतलब यानी कि 3 फीट नाली खोद दी गई है। अब इसमें ऐसे में ये रहवासी हैं, आसपास के गांव घर के लोग हैं, ये कैसे निकलेंगे? ये बाबा हमारे पास में खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। बाबा, ये जो इतनी गहरी नाली खोद गई, आप इधर से उधर बाहर कैसे निकलोगे? आप अपने घर से नहीं निकलाएगा, फिर क्या चाहते हो? फिर कौन करके गया है?
अच्छा सरपंच सचिव आए थे, एसडीएम और तहसीलदार भी आए थे, उन्होंने किया। तो ये समस्या आपको बढ़ गई है या समस्या आपकी कम हो गई है? बढ़ गई समस्या। अच्छा, तो देखिए व्रत बाबा का कहना है कि इनकी समस्या बढ़ गई है, ये गहरे खाई में खड़े हैं बेचारे, इनको अगर यहाँ से बाहर जाना है तो या तो इस खाई को कैसे पार करेंगे, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, समाचार एक्सप्रेस, धार।